के किसी आदमी को लाए नहीं था, लेकिन आज लाब सबको मंगा भी लिए हैं, बच्चा सबको यहाँ देखे अच्छा सुविधा है तो मंगा भी लिए हैं। अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं, अगर आप राजगीर आना चाहते हैं और खासतौर से आप मलमास मेला में घूमना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही राइट टाइम है। और आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह के बड़े बड़े से कूलर हर जगह पे लगाए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ एंट्री पे देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी हूँ मैं राजगीर में और जैसा कि आप जानते हैं कि राजगीर में एक मलमास मेला लगता है जो कि हर 3 साल में राजगीर में लगाया जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कैसी तैयारियां चल रही हैं और जो यहां पे प्रिपरेशन चल रही थी उन सबको मैंने वीडियो में दिखाया था। तो अब 18 जुलाई से यहां का जो मेला है वो स्टार्ट हो चुका है और ये मेला करीब यहां पे 1 महीने तक चलता है। और दोस्तों यहां पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है और इसमें बहुत ही बड़ा योगदान यहाँ के गवर्नमेंट का होता है। बहुत सारी सुविधाएँ ऐसी होती हैं जो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और यहीं पे है एक बरहम कुंड जहाँ पे गर्म पानी आपको हमेशा मिलेगा। आप साल के 12 महीने आप यहाँ पे आएंगे तो आपको गर्म पानी दिखने वाला है। तो जैसे ही आप इस मेले में आते हैं, मलमास मेले में आते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, इसीलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करें। यहाँ पे इस तरफ में बरहम कुंड है जो पहाड़ पे ऊपर चढ़ के गर्म पानी पहाड़ों से आता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है लॉजिंग फैसिलिटी। यहाँ पे आप रह सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे इस तरफ आपको मिलता है कंट्रोल रूम जहाँ पे आपको एंट्री करवाना होता है और उसके बाद में आप आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे चिकित्सा कक्ष है, मतलब ये हो कि आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस तरफ में शौचालय है, यहाँ पे पीने का पानी और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर दिखने वाली। और ये है इसका टेंट सिटी जो आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में बनाया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं और बहुत ही आराम से आप यहाँ पे रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना ही ब्राइट टेंट बनाया गया है, आप इसका एरिया देख सकते हैं। और इस तरह का जो टेंट है आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जैसे कि पहले आपको यहाँ पे फोल्डिंग मिलती है, उसके ऊपर बिछाने के लिए मैट्रेस गद्दा मिल जाता है, बेडशीट वगैरह भी मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलती हैं। बहुत ही लंबे एरिया में इस तरह की टेंट सिटी बनाई गई है और ये जो सुविधाएँ हैं वो जगह जगह पर हैं। आप जब भी राजगीर में आएँगे, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जुलाई से ये मेला शुरू हो चुका है और अगले 1 महीने तक रहने वाला है। और ये जो मेला है वो बहुत ही हिंदू धर्म के लिए बहुत ही आस्था का एक केंद्र है और ये 3 साल में एक बार लगाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जगह जगह से यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। आपको आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग मलमास मेला में आते हैं और बहुत सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर दी जाती हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह है वो आपको यहाँ पर दिखने वाली। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार पासवान। संतोष कुमार, कहाँ से हैं आप? हम समस्तीपुर जिला दलसिंहसराय से हैं। अच्छा, समस्तीपुर से हैं। तो आप लोग पूरा विद फैमिली आए हैं? हाँ, पूरा फैमिली आए, पूरी फैमिली के साथ में जी। तो यहाँ पे ये पहले से पता था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेवा है वो मिल रही है? कुछ नहीं पता था। तो कैसा लगा ये सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट? बहुत अच्छा। क्योंकि इससे पहले आपने प्लान किया होगा कि रूम लेना होगा, होटल वगैरह? बहुत प्लान करके किसी आदमी को लाए नहीं था, लेकिन आज लाभ सबको मंगा भी लिए हैं, बच्चा सबको यहाँ देखे अच्छा सुविधा है तो मंगा भी लिए हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है, लग नहीं रहा कि हम दूसरे जगह है, लग रहा है कि अपना घर में। बहुत सारे लोग के लिए ये बहुत ही खुशी का माहौल होता है जब आप कहीं पे जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे 200 से 3 किलोमीटर आप सफ़र करके कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं। तो हर आदमी को इस तरह की दुविधा होती है कि वहाँ पे सुविधाएं कैसे मिलेंगी, होटल वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार की ये जो पहल है फ्री ऑफ कॉस्ट लॉजिंग फैसिलिटी, आश्रय स्थल बनाया जाता है सरकार की तरफ से, तो ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो दूर से आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मलमास मेला में यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगती है, 1 महीने तक चलता है। बहुत सारे लोग जो कि देवघर जाते हैं वहाँ
वो देवघर वाले लोग यहाँ पे आना बिल्कुल भी नहीं भूलते। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है, हर तरह से वॉलेंटियर्स आपको देखने को मिलेंगे। सर क्या नाम है आपका? मनोहर मंडल। मनोहर मंडल, तो आप यहाँ की ड्यूटी में हैं? जी हाँ। मैडम आपका क्या नाम, थोड़ा आगे जी, आपका क्या नाम? रानी देवी। रानी देवी, आपका? रिया कुमारी। यहाँ पर जो ड्यूटी है वो 24 घंटे रहती है आप लोग? 24 घंटे। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि सुबह से शाम तक आपकी ड्यूटी है, आपका काम है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, किसी तरह का सिक्योरिटी इश्यू ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, जो है ना जितने भी श्रद्धालु आते हैं ना, इनके सुरक्षा के लिए हम सब हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है वो काफ़ी टाइट है। आप वहाँ देख सकते हैं, अगर आप सामने आपकी नज़र जा पा रही होगी तो उस पिलर में बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं, 4 CCTV कैमराज आपके सामने लगे हुए हैं, उस तरफ भी कैमराज लगे हुए हैं और इस तरफ भी कैमराज लगे हैं, ताकि किसी भी तरह से जो सेफ्टी है उसको एश्योर किया जाए और सेफ्टी के लिए आपको किसी भी तरह की चिंता ना हो। ये बहुत बड़ी बात है और ये सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और ऐसी बहुत सारी जगह पे हैं, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको खाना भी फ्री मिल रहा है। तो अगर आप आते हैं और यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो रहना और खाना आपको दोनों तरफ से, दोनों चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। आप देखेंगे जगह जगह पे ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको भोजन कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे भी स्टॉल हैं जहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको रोटी और सब्ज़ी अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं, अगर आप राजगीर आना चाहते हैं और ख़ासतौर से आप मलमास मेला में घूमना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए बहुत ही राइट टाइम है। 18 जुलाई से ये लगता है और आगे एक महीने तक ये लगने वाला है, तो आप भी आइए और यहाँ की सुविधा का लाभ उठाइए। और आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह के बड़े बड़े से कूलर हर जगह पे लगाए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ एंट्री पे देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और ऊपर में फ़ैन वगैरह भी लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं हर जगह पे लाइटिंग का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो अभी राजगीर में किया जा रहा है वो है प्रायोरिटी जो दिया जा रहा है वो है सिक्योरिटी सिस्टम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ ललन दास। ललन दास जी, तो यहाँ पे आप यहाँ आज ऑन ड्यूटी हैं? हाँ ऑन ड्यूटी है। यहाँ पे मेरा काम यही है कि यहाँ पे जो यात्री है यहाँ पे विश्राम करते हैं, ठीक है, और हम लोग के साथ में जो मजिस्ट्रेट है वो मजिस्ट्रेट साहब जो है उनका एंट्री करते हैं, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेते हैं, फिर उनको जो है बेड दिया जाता है। अच्छा, और हमको अच्छा लगता है कि से व्यवस्था बहुत अच्छा है। व्यवस्था बहुत अच्छा है जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से ध्यान रखा गया है कि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। तो इस तरफ आपको मिल जाता है चिकित्सा कक्ष। अभी जो आप पेशेंट आपके पास में आते हैं वो किस तरह के पेशेंट आपको मिले हैं अभी तक? अभी खांसी सर्दी बुखार, खांसी सर्दी बुखार के जो नॉर्मल जो वायरल फीवर वगैरह। तो ये है इनका कंट्रोल रूम जहाँ पे आपको एंट्री करवानी होती है। क्या नाम है सर आपका? पिंटू कुमार सर। पिंटू कुमार, तो सर एंट्री करवाने के लिए आप आईडी में क्या क्या लेते हैं? आधार कार्ड लेते हैं। अच्छा, आधार कार्ड लेते हैं। कितना देर का टाइम मतलब मिल जाता है आपको रहने के लिए यहाँ पे? 24 आवर्स। और उसके बाद आप रहना चाहें तो फिर से चेकआउट करने के लिए, चेक इन करके फिर से एंट्री करवाना होगा। ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, mosmela.com पर जाइए, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी जगह जगह पे बना हुआ है। ये था मलमास मेला का, ये जो लॉजिंग एरिया है वो मैंने आपको दिखाया, और भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ के आते रहेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने जो यहाँ पे प्रिपरेशन की जा रही थी उसको कवर किया था, तो और भी जो वीडियोस है वो आती रहेंगी। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार हैं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।